हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी इस वीडियो में छोटी छोटी क्लिप डालने लगा हूँ, जो पंजाब में और हिमाचल की कुछ वीडियोस हैं जो बाढ़ में लोग प्रभावित हुए उनके बारे में हैं। तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। यहाँ लोग दरिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि दरिया को रोका नहीं जा सकता, ये लोग साबित करते हुए कि दरिया को रोका जा सकता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, लोग अपनी जान पर खेल कर दूसरे की जान बचा रहे हैं। कहाँ है मीडिया, कहाँ है सरकार? तो ऐसी जो तस्वीरें हैं, ये साबित करती हैं कि हमारा देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, क्यों लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए था। भाई, ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो बिल्कुल दिल को चीर देती हैं। और हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार पता नहीं क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। क्यों एक सिर्फ वो पाकिस्तान से आई है, वो ही एक जो मतलब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई आपके लिए, लोगों की कि जान की कीमत कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि लोगों को भी समझना चाहिए इस मीडिया को। मीडिया से अच्छा है कि आप दूसरे जो लोग सच्चाई दिखाते हैं उनको देखें और ये मीडिया को इग्नोर करें, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। बिना आपके सपोर्ट के इनकी अकल ठिकाने नहीं आने लगी। और ये चीज़ें बहुत टाइम से हो रही हैं, धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रही हैं। चलो और देखिए तस्वीरें, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही दुखी है, कोई सानू ऊपर वाला भी नहीं पूछ रहा कि सानू चाय दी जरूरत है। साढ़े बच्चे भुखे बैठे ने, साढ़े बेड, साढ़े बिस्तरे सब खत्म हो गए। देखे एक बारे तो कोई आवे सानू पूछो ना। घर छड़ने सौखे, बहुत औखे घर छड़ने, बहुत मजबूर होकर बंदिया ने समान लद्या भी कित्थे जावांगे, समान लद के कित्थे घर छड़ के जावांगे। किते जान नूं भी नहीं किसे रिश्तेदार दे, या भी किते जाके बह जांगे उत्थे महीना 10 दिन कड्डियावांगे, फिर भी खीरी इत्थे ही आउणा पैणा। लो ट्रालियां च समान लद्या पिया साडा, इस गंदगां सरकारां ने मार लिया सानू। कोई दरिया नहीं साफ कीता, कोई नदी नहीं साफ कीती, ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਅੜੇ ਬੂਟੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੜ ਅੜ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਪਿੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 20-25 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਛੂੰਜ ਕੇ ਲੈ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग अपने हाथों और अपने लोगों की मदद से पानी रोकने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरह फसल पाली है, उसको बचाने के लिए और अपने घरों को बचाने के लिए ये लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे एक देखा है कि आपने कभी कि यहाँ पे आके मीडिया ने किसी ने इनको कवर किया हो, बताया हो कि ऐसा हो रहा है? शेम ऑन ऐसी